अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं उत्तपम चीज़ सैंडविच, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स ले लिए, हरी मिर्चें चॉप की हुई, एक छोटी साइज़ की प्याज, शिमला मिर्च हरी वाली, टमाटर और हरा धनिया लिया है चॉप किया हुआ। आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, मैंने हाथों से चॉप किया है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि वेजिटेबल्स फीकी ना रहे, और इनको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो कलरफुल कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स को मिक्स कर लिया है, इसको साइड में कर देते हैं। ये मैंने डोसे का बैटर ले लिया है और ये चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं। तो सबसे पहले हम डोसे के बैटर को रेडी कर लेते हैं। ये मैंने स्पिनच की प्यूरी ली है, पालक को पीस लिया है। आपको जितनी पसंद है ज़्यादा या कम पालक का टेस्ट, आप उतनी पीस सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। पहले हम 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। तो पालक की प्यूरी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है डोसे के बैटर में, उत्तपम में अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये सारा हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून। अगर आप और ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, लाइट ग्रीन। तो बैटर रेडी है, इसको बनाने चलते हैं। ये मैंने डोसे का पैन ले लिया है, तवे को गरम कर लिया है ऑयल डालकर। अब ऑयल को टिश्यू से क्लीन कर लेना है इस तरीके से। और पैन को अच्छी तरह से गरम कर लेना है। आप जो भी ले रहे हैं तवा या पैन, उसको गरम करने के बाद फ्लेम को लो कर देना है। और ये स्पून ले लेना है गोल वाला, और बैटर को डाल देना है। मैं छोटे साइज़ का बना रही हूँ, अगर आप और बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं उत्तपम, तो बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बैटर को डाल देंगे, और हल्का सा, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये थोड़ा सा मोटा होता है उत्तपम, तो हल्का सा बस इसको राउंड शेप दे देंगे। अब जो ऊपर की साइड गीली है ना, तो उसी वक्त वेजिटेबल्स डाल देना है ताकि चिपक जाए इसके ऊपर। तो वेजिटेबल्स को डाल के हल्के से स्पून से दबाना है ताकि वो उसमें चिपक जाए, गिरे ना। अब फ्लेम को रखेंगे लो, लो फ्लेम पर इसको कुक करना है, क्योंकि ये हल्का सा मोटा होता है तो थोड़ा कच्चा रह जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद में फ्लेम को मीडियम टू हाई पर इसको थोड़ा कलर आने देना है। तो इस पर ऑयल स्प्रेड कर देंगे। अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई और इसको पकने के लिए देंगे ताकि नीचे हल्का सा कलर आ जाए। तो ये देखिए ये पक चुका है नीचे वाली साइड से। अब इसकी साइड को हम टर्न कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से टर्न कर देना है। अगर आप और क्रिस्पी पसंद करते हैं तो इसको और क्रिस्पी होने तक भी पका सकते हैं। तो ये देखिए अब दूसरी साइड पर भी हम इसको इसी तरीके से पका लेंगे। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नई रेसिपीज़ के वीडियो डालूँगी वो सबसे पहले आपको देखने मिलेंगे। तो ये देखिए उत्तपम हमारे दोनों साइड से पक कर रेडी हो चुके हैं। इसको हम उतार लेंगे और तीसरा वाला भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तपम लेंगे, उसके ऊपर चीज़ रख देना है। मैंने स्लाइस का यूज़ किया है, आप चाहे तो ग्रेट किया हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। तो गरम गरम में ही आपको ये करना है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। अब दूसरा वाला उत्तपम उस पर रख देंगे। अब फिर हम चीज़ के स्लाइसेस को रख देंगे। मैंने 2 स्लाइसेस का यूज़ किया है, आप चाहे तो 1 भी रख सकते हैं, बट ज़्यादा चीज़ होगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। अब ये गरम गरम उत्तपम मैंने रख दिया है तीसरा वाला। तो उत्तपम सैंडविच चीज़ वाला बनकर रेडी है, इसको हम कट कर लेंगे। तो आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, स्नैक्स टाइम पर दे सकते हो,
मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में दे सकते हो, आप भी खा सकते हो। बच्चे तो काफ़ी शौक से खाते हैं चीज़ वाली चीज़ें। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी हमारा चीज़ उत्तपम सैंडविच बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।